हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, आज मैं एक लैम्पशेड बनाया पूरा मिट्टी से। घर में आप मिट्टी से अगर कुछ बनाते हैं तो उसको घर में ही कैसे पूरा मिट्टी बनाइएगा, वो मैं इस वीडियो में दिखाने का कोशिश किया। इसके लिए सबसे पहले मैं लिया मिट्टी, पीवीसी पाइप, स्प्रे का एक खाली डिब्बा, एक प्लास्टिक का टुकड़ा जो ये पीवीसी पाइप को पूरा कवर कर जाए, इसी हिसाब से। अभी मैं मिट्टी से ये जो प्लास्टिक का टुकड़ा लिया, इसके ऊपर मैं एक प्लेट बना रहा हूँ। प्लेट बन जाने के बाद पीवीसी पाइप का जो हाइट है उसके माप से मैं ये प्लेट को मैं काट कर ले रहा हूँ। और उसके बाद पुराना न्यूज़प्रिंट लेके मैं मिट्टी के ऊपर दिया और ये पीवीसी पाइप के ऊपर मैं जो मिट्टी का जो प्लेट बनाया था उसको मैं राउंड शेप में उसके ऊपर कवर कर दिया। फ्रेंड, मैं ये न्यूज़प्रिंट पेपर इसलिए दिया था कि जब मैं पीवीसी पाइप के ऊपर ये मिट्टी जब राउंड शेप में जब लाऊंगा, अगर मैं न्यूज़प्रिंट नहीं देता तो ये पीवीसी पाइप के ऊपर ये मिट्टी चिपक जाता। फ्रेंड, मैं अभी यहाँ जो देख रहा है कि जोड़ रहा हूँ, आप भी जब काम कीजिएगा तो जोड़ने के टाइम बहुत अच्छी तरह से यहाँ जोड़िएगा फ्रेंड, नहीं तो जब ये सूखना स्टार्ट करेगा तो सबसे पहले यहीं से क्रैक आ जाएगा। अभी देखिए कितने आसानी से मैं ये पीवीसी पाइप को मैं निकाल लूँगा बाहर। पीवीसी पाइप को निकालने के बाद मुझे जो चाहिए था, एक राउंड शेप का जो पाइप जैसा चाहिए था, वो मुझे मिल गया है। अभी ये जो जॉइंट है इसको और थोड़ा मैं ठीक कर लूंगा और उसके बाद मैं इसका साइड वॉल जो है वो मैं थोड़ा मिट्टी देके और ये मैं छुरी के मदद से पहले उसको फिनिश कर लिया। ये फिनिश हो जाने के बाद मैं एक गीला कपड़ा लिया और उसके ऊपर इसको और अच्छी तरह से फिनिश देने के लिए इसको मैं गीला कपड़ा से मैं फिनिश दे दिया। ये सेम प्रोसेस से ही मैं ये स्प्रे का खाली डिब्बा जो लिया था इसके ऊपर मैं और एक ये पाइप जैसा बना लिया। फ्रेंड, ये मेरा दूसरा पाइप भी रेडी हो गया है। अभी देखिए, ये एक घंटे बाद का वीडियो है। मैं अभी थोड़ा इसका साइड वॉल जो है वो फिनिश कर ले रहा हूँ और एक घंटा बाद जितना सूखा है उसके ऊपर मैं अगर कुछ काम करना चाहता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये है स्टील के पाइप का एक छोटा सा टुकड़ा, इससे मैं इसके साइड वॉल में पूरा राउंड शेप करके जाली जैसा बना लूँगा। ये है एक प्लास्टिक कॉर्क। आप जानते हैं कि मैं इसी तरह ही कुछ ना कुछ जुगाड़ करके मैं काम चला लेता हूं। अभी पूरा इसके आउटसाइड ऐसा जाली मैं बना ले रहा हूं। हो गया फ्रेंड। ये औजार मैं आज ही बनाया, देखते हैं कि काम कैसा होता है। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, ये मानता भी हूँ मैं, कि आपके हाथ ही सबसे अच्छा ये टूल है आपका, मतलब औजार भी कह सकते हैं आप। लेकिन कुछ कुछ काम के लिए कुछ अलग तरह का टूल का ज़रूरत पड़ता है, तो उसी के लिए ही मैं इसको बनाया आज और ये काम किया। ऐसा ही कुछ आप चाहे तो ये ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, दुकान पर भी आपको मिल जाएगा। मैं ये दूसरा जो मैं पाइप जैसा बनाया था इसको मैं थोड़ा अलग सा लुक्स देने का कोशिश किया। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि मिट्टी से अगर आप कुछ घर में बनाते हैं तो उसको घर में ही कैसे जला पाइएगा आप, मतलब पूरा मिट्टी का कुछ बना कैसे बनाइएगा, वो मैं इसी वीडियो पे दिखाऊंगा। आप देखिए, शायद आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगता है तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 2 दिन के बाद का वीडियो है फ्रेंड ये। मैं 2 दिन इसको अच्छी तरह से सुखा लिया और अभी ये सैंड पेपर से मैं इसके ऊपर थोड़ा घिस के मैं फिनिश कर लूंगा आउटसाइड।
फ्रेंड ये है काट का छिलका, ये थोड़ा सा काट का टुकड़ा है, और ये जला हुआ कोयला है, और ये टूटा हुआ टॉब है, ये भी बहुत काम पे आएगा हम लोगों का, और ये एक नेट है, मेरे पास एक चूल्हा था, उससे ही मैं ये जलाऊंगा, चूल्हा के एकदम नीचे दे दूंगा नेट। फ्रेंड ये है नारियल का माला, हम लोग बंगाली में नारियल का माला बोलते हैं, मुझे पता नहीं कि हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, आपको अगर पता होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। नेट के ऊपर पहले मैं ये नारियल का माला इसलिए दिया कि ये नारियल का माला जो है ना ये बहुत फास्ट जल जाता है, तो उसके ऊपर जो भी कुछ कार्ड वगैरह जो भी कुछ दूंगा उसको अच्छी तरह से आग उसको लग जाएगा। और अभी मैं इसको मतलब पूरा मिट्टी से मैं जो बनाया उसको अंदर कर दिया, और चारों तरफ थोड़ा ये काट का टुकड़ा जो है वो मैं डाल दिया, और एकदम ऊपर के हिस्से में ये जो जला हुआ जो कोयला था मेरे पास वो भी डाल दिया, ये बहुत फास्ट जलता है फ्रेंड। फ्रेंड एकदम ऊपर के हिस्से में मैं ये बाकी जो छिलका था मेरा वो दे दिया, मेरे पास ये काट का छिलका था, मैं काट का छिलका दिया, आपके पास अगर ये नहीं है तो आप कुछ पत्ता वगैरह ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। ये जो टूटा हुआ जो टॉप था मेरे पास इसको मैं चूल्हा के ऊपर एकदम ढक दिया ऐसे कि जब मैं आग लगाऊंगा तो ये आग हीट बाहर ना आ जाए, इसलिए मैं इसको अच्छी तरह से ढक दिया। चलिए अभी मैं आग लगा लिया चूल्हे में। फ्रेंड ये 45 मिनट्स का बाद का वीडियो है, देखिए अंदर में आग जल रहा है अभी भी, ये 4 साढ़े 4 घंटा बाद का वीडियो है फ्रेंड, अभी भी थोड़ा थोड़ा हीट है, इसलिए मैं प्लास की मदद से इसको हटाया, और ये देखिए मैं जो चाह रहा था पूरा मिट्टी का मतलब जो मैं चीज़ चाह रहा था वो मुझे मिल गया है, देखिए फ्रेंड कलर भी अच्छा ही आया है। और अभी मैं ये पुट्टी के ऊपर थोड़ा व्हाइट गम दे के पानी दे के अच्छी तरह से घोल बना ले रहा हूँ। आप चाहे तो एक्रिलिक कलर से भी ये व्हाइट कर सकते हैं, ये मैं व्हाइट पूरा लगा दिया, इसके बाद मैं 1 घंटे के लिए छोड़ दिया, और उसके बाद देखिए ये पूरा सूख गया है, ये हाथ में भी नहीं लगेगा। और ये लिया मैं इंडिको का गोल्ड, गोल्ड मैं ये जो मैं राउंड शेप जो दिया था इसको चारों तरफ मैं लगाऊंगा, ये बाद में देखिएगा फ्रेंड के गोल्ड देने से इसका जो लुक्स है वो थोड़ा निखर के आएगा। फ्रेंड ये लिया मैं जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड के ऊपर मैं थोड़ा व्हाइट गाम दिया और थोड़ा पानी दे के एक पेस्ट जैसा बनाया, उसके बाद स्पॉन्ज लिया, स्पॉन्ज दे के मैं ये कलर भर दिया, ये देखिए फ्रेंड ये अच्छा ही आया है ये कलर को मैं परमानेंट करने के लिए और एक प्रोसेस करूँगा, वो आप देखते रहिए। फ्रेंड मैं यहाँ एक्रिलिक ब्लैक दे रहा हूँ, मैं यहाँ एक्रिलिक कलर यूज किया, आप चाहे दूसरा कुछ भी कलर यूज कर सकते हैं। फ्रेंड अभी ये जो जिंक ऑक्साइड मैं दिया था इसके ऊपर मैं वुड बार्निश लगाऊंगा तो ये परमानेंट भी हो जाएगा और इसमें थोड़ा ग्लेज भी आएगा। फ्रेंड मैं बताया था ये एक लैम्प शेड बना रहा हूं, तो इसके अंदर एक आप कैंडल भी जला सकते हैं, और मैं इसको और एक दूसरा साइड भी मैं इसका रेडी किया वो है, ये देखिए फ्रेंड लाइट अप करके ऐसा लगेगा देखने में, और भी एक मैं इसका मतलब लुक्स दिखा रहा हूँ आपको, ये अगर आप हैंगिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हैंग करने से, चेन लिया, ये कॉपर वायर लिया, और एक बल्ब एक होल्डर भी ले लिया मैं इसको अभी हैंग करके दिखाऊंगा फ्रेंड आपको, ये मैं टाइम लैप्स में दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे रेडी करना है और आखिर में देखने में ये कैसा लगेगा। चलिए
चलिए फ्रेंड, मैं इसको हैंग कर दिया। अब ज़रूर बताइएगा कि इसको देखने में कैसा लग रहा है, मेरा काम आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करके मेरे साथ रहिए। थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलेंगे दूसरा वीडियो पे। अपना ख्याल रखिएगा, फैमिली का भी ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड।